नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम प्रोफाइल फॉर रेडियल कैम और इसके अंदर जो फॉलोवर का मोशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के साथ है। तो यहां पर जो फॉलोवर है वो रोलर फॉलोवर है और इसके लिए हम दो केसेज लेंगे। जब रोलर फॉलोवर का एक्सिस पास करेगा एक्सिस ऑफ द कैमशाफ्ट से, एक तो केस ये लेंगे। दूसरा केस लेंगे कि जब जो रोलर फॉलोवर का एक्सिस है ऑफसेट होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैमशाफ्ट से। तो दोनों केसेस के लिए हम जो है कैम प्रोफाइल बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनानी है, तो हमें कुछ गिवन डाटा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें आउटस्ट्रोक एंगल दिया गया है 90 डिग्री, ड्वेल दिया गया है 30 डिग्री, रिटर्न दिया गया है 60 डिग्री और फिर से जो ड्वेल दिया गया है वो 180 डिग्री है। यानी कि ये जो टोटल एंगल है ये 360 डिग्री का एंगल दिया गया है। तो इस 360 डिग्री एंगल के लिए सबसे पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है एक सुटेबल स्केल पर। जैसे कि मान लीजिए 1 डिग्री को आप 1 mm मानते हैं, तो 360 डिग्री के लिए आपको 360 mm की लाइन लगानी पड़ेगी। तो कोई भी सुटेबल स्केल आप ले सकते हैं। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें स्ट्रोक दिया गया है 50 mm का, उतनी एक रेक्टेंगल यहां पर क्रिएट कर लेंगे। तो स्ट्रोक हमें यहां से ऊपर जो दिया गया है वो हमें दिया गया है 50 mm, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 50 mm। तो ये एक रेक्टेंगल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो 50 mm की इस तरह से हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर ली। अब जो आउटस्ट्रोक एंगल हमें दिया गया है जो 90 डिग्री का है, तो थीटा ओ एंगल सबसे पहले हम काट लेते हैं जो कि है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर थीटा ओ हम ले लेते हैं 90 डिग्री और इस पार्ट को जितना हमने 90 डिग्री लिया है इस लाइन के ऊपर, इसको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे 4, 6, 8 कितने में भी कर सकते हैं, इवन नंबर होने चाहिए। मिनिमम वैसे नंबर हम रखते हैं 6 पार्ट, तो हम यहाँ पर 6 पार्ट बना लेते हैं थीटा ओ एंगल के लिए। फिर हमें ड्वेल दिया गया है 30 डिग्री, तो वो हम ड्वेल पीरियड जो है इसी तरह से छोड़ देंगे। ये जो है हमारे पास ड्वेल पीरियड है 30 डिग्री है। उसके बाद ड्वेल के बाद रिटर्न एंगल है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री के लिए हम रिटर्न एंगल ले लेते हैं और ये है हमारे पास जो रिटर्न है 60 डिग्री का, और इसको भी हम उतने ही पार्ट में डिवाइड करेंगे जितना हमने थीटा ओ एंगल किया है, यानी कि जो आउटस्ट्रोक एंगल किया है 6 पार्ट में किया है, तो इसको भी हम 6 पार्ट में वर्टिकली इन लाइनों से डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद जो हमारे पास बचेगा ये ड्वेल बचेगा कितने का, 180 डिग्री का, क्योंकि देखिए 90 और 30 कितना हो गया 120, 120 और 60 180 हो गया, बाकी का 180 जो है ड्वेल बच जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब जो ये सेंटर लाइन है पहले तो हम इनकी नंबरिंग कर देंगे। तो जैसे हम इनकी नंबरिंग कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से 0-1-2-3-4-5-6 रिटर्न के लिए। अब जो मिडल लाइन है जो थर्ड लाइन है वर्टिकल लाइन में से, इसको हम इक्वल नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे जितने में हमने थीटा ओ को और थीटा आर को किया है, यानी कि 6 पार्ट में किया है तो हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद ये जो 6 पार्ट हैं हमारे, अब बीचों बीच एक डायगोनल लाइन आप 0 से लेकर यहां मिला देंगे, या तो यहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं या फिर आप क्या करेंगे 0 को इससे मिलाएंगे, फिर इससे मिलाएंगे, फिर इससे मिलाएंगे, यानी कि इस तरफ 1, 2, 3 है ना हमारे पास, 3 पार्ट हमारे यहाँ पर डायगोनल तक हम मिलाएंगे इसको 0 को। तो इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। इसी तरह से 4, 5, 6 जो पार्ट है वो यहां पर हम मिलाएंगे, तो यहां से हम इसको मिला देंगे, तो बीच में देखिए फिर से आपको एक डायगोनल लाइन मिल जाएगी। तो 3 पार्ट जो 3 से इस तरफ है 1, 2, 3 और इसके बाद 4, 5, 6 जो है 4, 5, 6 जो है ऊपर से हम मिलाएंगे। अब यहां पर देखिए ये जो फर्स्ट जो हमारी लाइन है, फर्स्ट पॉइंट है वर्टिकल लाइन, इसको जहां पर काटेगी वहां पॉइंट ले लेंगे। सेकंड जो वर्टिकल लाइन है इस लाइन के साथ जो है इस, ये जो सेकंड लाइन है इसके साथ, यहां अगर हम नंबरिंग करते हैं जैसे मान लीजिए यहां कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कर देते हैं और ये 6 पार्ट हो जाएगा। अब देखिए जो 1 के लिए ये जो लाइन यहाँ कट की है तो ये पॉइंट मिलेगा, 2 के लिए ये लाइन कट की है ये पॉइंट मिलेगा, 3 के लिए ये पॉइंट मिलेगा। ये तो एक डायग्राम लाइन मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि थर्ड और ये थर्ड ये जो है हमारी एक सीधी लाइन मिलेगी हमें। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये पॉइंट्स हम लगा लेंगे जैसे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए, ये यहाँ पर आएगा पॉइंट। तो उसके बाद ये पॉइंट मिलेंगे, हम इनको अल्फाबेटिकली यहाँ पर मार्क कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से, और इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, हमें एक इस तरह का कर्व मिलेगा। तो ये कर्व हमें मिलेगा,
इसी तरह से सेम काम हमें रिटर्न के लिए करना है। रिटर्न के लिए जो मिडल लाइन है इसको 6 भागों में डिवाइड कर लेना है। अब ये रिटर्न के लिए है, जैसे यहां पर डायगोनल लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी, यहां से डायगोनल लाइन नीचे की तरफ आएगी, तो इसलिए यहां से स्टार्टिंग करेंगे, यहां से हम मिलाना इसको स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से, इसी तरह से अब यहां से करेंगे, तो इस तरह से हमें एक डायगोनल लाइन जो है रिटर्न के लिए मिलेगी और बाकी हम इस तरह से मिला देंगे। उसी तरह से हमें पॉइंट मिल जाएंगे यहां पर, जैसे यहां पर हमें पॉइंट मिले थे, और यहां पर एक कर्व मिल जाएगा, इसको अल्फाबेटिकली हम मार्क कर देते हैं। तो इस तरह से रिटर्न के लिए कर्व मिल जाएगा। तो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जो है हमारी बन जाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के लिए। तो चलिए पहला केस लेते हैं जिसके अंदर हम कैम प्रोफाइल बनाएंगे, जहां पर एक्सिस पास कर रहा है रोलर फॉलोवर का एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट से। तो चलिए कैम प्रोफाइल बना लेते हैं, जब फॉलोवर जो है रोलर है और उसका एक्सिस जो पास कर रहा है एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट से पास कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम बना चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हमें जो मिनिमम रेडियस दी है उसका एक सर्कल ड्रा कर लेना है। जो मिनिमम रेडियस हमें दी गई है वो 40 mm है, तो 40 mm का रेडियस हमें ड्रा कर लेना है। रेडियस लेनी है 40 mm और हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। उसके बाद जो रोलर का डायमीटर दिया है वो हमें यहाँ पर जो रेडियस दी है या डायमीटर दी है उससे हमें रोलर को ड्रा कर लेना है और ये फॉलोवर हमें बना लेना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें जो एंगल दिए गए हैं वो बना लेने हैं। उससे पहले हम एक प्राइम सर्कल को बना लेंगे। प्राइम सर्कल क्या होगा, जो रोलर का सेंटर है और ये जो हमारा सेंटर है मान लीजिए ओ है, यहां से यहां तक की रेडियस प्लस जो रोलर की रेडियस है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें ये जो है प्राइम सर्कल मिलेगा। तो यानी कि ये देखिए बेस सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है, ये बेस सर्कल है। इसको हमने मिनिमम रेडियस जो है, मिनिमम सर्कल की जो रेडियस है जो वो होता है बेस सर्कल, या मिनिमम जो कैम रेडियस हमें दी होती है तो बेस सर्कल है ये। और ये हो गया प्राइम सर्कल, ये प्राइम सर्कल होता है जो कि इसके सेंटर से होकर जाता है, जो ये रोलर है हमारा इसके सेंटर से। तो ये हो गया प्राइम सर्कल, ध्यान देना है जहां भी रोलर फॉलोवर होगा वहां पे प्राइम सर्कल बनाना ही बनाना है, उसी के थ्रू हम जो है एंगल्स को कट करेंगे। तो अब ये हमने प्राइम सर्कल बना लिया, अब ये एक्सिस ले लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल एक्सिस। अब यहां पर सबसे पहले हमें दिया गया है 90 डिग्री, यानी कि थीटा ओ जो दिया गया है वो 90 डिग्री दिया गया है। उसके बाद हमें दिया गया है 30 डिग्री, और उसके बाद जो दिया गया है थीटा आर जो है वो 60 डिग्री दिया गया है, यानी कि टोटल 90 है। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री, ये थीटा ओ हो गया, ये थीटा आर हो गया, ये बीच में ड्वेल पीरियड हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो प्राइम सर्कल है इसको अब 6 भागों में बांटना है, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के अंदर बांटा था 6 भागों में ही बांटा था, तो यहां भी हम 6 भागों में इसको बांटेंगे। तो यहां पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को अगर हम 6 भागों में बांटना चाहे तो 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री का एक भाग होगा, 15-15 डिग्री पे हम ये मार्क लगा लेंगे। अब ये जो हमने प्राइम सर्कल पर काटा है इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसको सेंटर से मिला देंगे, इन सभी भागों को सेंटर से मिला देंगे, तो इस तरह से हमें लाइन मिल जाएंगी। अब हमें क्या करना है, 1 से B, 2 से C, 3 से D जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के अंदर हमने देखे थे डिस्टेंसेस, वो यहां पर काट लेने हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 से B, 2 से C, 3 से D, ये 4 से E, 5 से F और 6 से G, ये काट लेने हैं। अब ये जो हमारे पास ये पॉइंट आए हैं, ये मार्क आए हैं, इनको सेंटर मानना है और जितना भी रोलर का रेडियस दिया है या डायमीटर दिया है यहां पर वो ड्रा कर देना है इनके ऊपर। तो इनके ऊपर हम ड्रा कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से सेम काम हमें रिटर्न के लिए करना है, इसको भी 6 भागों में बांट देना है, जैसे कि इसको बांटा था ये 60 डिग्री है तो यहां पर 10-10 डिग्री के भाग बनेंगे और इसको 6 भागों में बांट देंगे। और फिर से हम यहां से यहां पर कटआउट कर लेंगे, यहां से यहां पर कटआउट करेंगे, जैसे कि हमने यहां पर कटआउट किया है जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के अंदर हमें दिए गए हैं, जैसे 0' से जो H था हमारा, इस तरह से 1' से फिर H के बाद I था, तो इस तरह से वो हम सारे पार्ट यहां पर कट कर लेंगे जैसे हमने यहां पर किए हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में रिटर्न के लिए है। उसके बाद ये हमें फिर से सेंटर मान लेने हैं, सेंटर मानकर फिर से हमें ये जो सर्कल है ड्रा कर लेने हैं, जो भी रोलर का रेडियस और डायमीटर कुछ भी दिया है। अब हमें क्या करना है,
इनके जो नीचे वाले सिरे हैं यानी कि ये जो बॉटम है ये मिला देना है। ये जब हम मिलाएंगे तो हमें कैम प्रोफाइल मिल जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बनता है, ये कैम प्रोफाइल बन जाता है। तो इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है, ये है कैम प्रोफाइल। अब इसके बाद अगर हमें पिच कर्व बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो इसके जो सेंटर है, ये जो सारे सर्कल्स के सेंटर हैं, इनको हम मिला देंगे डॉटेड लाइन से, इस तरह से डॉटेड लाइन से मिला देंगे। तो ये जो सारे सेंटर मिलेंगे और ये जो हमारे पास कर्व बनेगा ये पिच कर्व बन जाता है जब हम सेंटर्स को मिलाएंगे। तो ये पिच कर्व हो गया, तो ये हो गया हमारा पिच कर्व, ये हो गया पिच कर्व। तो ये कैम प्रोफाइल जो बॉटम से हमने बनाया ये हो गया पिच कर्व। तो ये तो था कि जब रोलर हमारे पास फॉलोवर है उसका एक्सिस पास कर रहा है कैम शाफ्ट से, लेकिन हमें ऑफसेट भी दिया हो सकता है, जैसे कि फॉलोवर जो है रोलर है लेकिन इसका एक्सिस जो है 15 mm ऑफसेट है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी रेडियस दी गई है हमें, मिनिमम रेडियस या बेस सर्कल की रेडियस, वो हमें ड्रा कर लेनी है। तो ये आर हो गए, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। तो ये हमने जो भी हमें रेडियस दी है, जैसे यहाँ पर 40 mm दी है, तो 40 mm की रेडियस का हमें सर्कल ड्रा कर लेना है। 40 दी हो, 50 दी हो, कुछ भी दी हो, तो आपको ये रेडियस का सर्कल ड्रा कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो आपका रोलर बनेगा ये कहाँ पर बनेगा, इस सेंटर से ऑफसेट पे, कितना mm, 15 mm। तो 15 mm दूर आपको ये जो है रोलर बनाना है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो वर्टिकल एक्सिस है इससे 15 mm दूर इसका एक्सिस होगा इस फॉलोवर का, तो ये हमें बनाना है। तो इसके सेंटर से इसको मिला देना है, जो सेंटर है हमारा इसको मिला देंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक प्राइम सर्कल लगा लेना है। इस सेंटर से होता हुआ जाएगा वो प्राइम सर्कल होता है, ये भी हमें पता है, तो प्राइम सर्कल हमने बना लिया। अब इस लाइन को रेफरेंस मानकर, इस लाइन को रेफरेंस मानकर हमें एंगल ड्रा करने हैं, जो थीटा ओ है, ड्वेल है और थीटा आर है। तो थीटा ओ कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है, तो ये हम बना लेते हैं ये 90 डिग्री। ये क्या बनेगा, थीटा ओ, ये जो है इसके साथ इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर लेना है प्राइम सर्कल तक, उससे बाहर भी आप कर सकते हैं लेकिन प्राइम सर्कल तक ही रखेंगे हम। उसके बाद जो है हमें 30 डिग्री दिया होता है, तो वो हमने ये जो है 30 डिग्री दिया है तो ये ड्रा कर लिया, जो कि ड्वेल पीरियड है। उसके बाद हमें दिया गया है 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हमने बना लिया थीटा आर के लिए। अब हमें क्या करना है, ये जो प्राइम सर्कल है इसको हमें 6 भागों में बांटना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर जो ये ऑफसेट हमने किया है एक ऑफसेट का सर्कल लगाना है। ये ऑफसेट का सर्कल, ये ऑफसेट का सर्कल यानी कि जितना हमने, जितना भी हमें जैसे 15 mm दिया है ऑफसेट, तो ये 15 mm जो है ऑफसेट है, इतना रेडियस मानकर सर्कल लगा लेना है। तो ये सर्कल पहले लगाना है, फिर हमें जो है प्राइम सर्कल को डिवाइड कर देना है 6 भागों में सेम, और यहां से हमें अब इन्हीं जो मार्किंग हमने की है, इन्हीं मार्किंग से लाइन होती हुई इस सर्कल के टेंजेंट रहेंगी, जो हमने ये सर्कल लगाया है, ध्यान रखना है इसकी टेंजेंट रखनी है सारे। तो जो ये मार्क से लाइनें आएंगी ये इसके टेंजेंट रहेंगी। सेम काम हमें क्या करना है, तो ये जो लास्ट लाइन है यहाँ से होती हुई जाएगी, सेम काम हमें थीटा आर के लिए करना है, इसके अंदर भी प्राइम सर्कल को डिवाइड करना है, और यहां से जो लाइनें होती हुई जाएंगी वो इस सर्कल के टेंजेंट रहेंगी, जैसे यहाँ। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हिस्सों में हमने इस तरह से ये लगा लेने हैं। अब ये हमारी जो मार्किंग हो गई, ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से, तो यहाँ पर भी हम मार्किंग लिख सकते हैं, जैसे 0 डैश हो गया, ये 1 डैश हो गया, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है, ये 4 डैश है, ये 5 डैश है और ये 6 डैश है। अब यहाँ से जो 1 से हम B तक की मार्किंग कर लेंगे, 2 से C तक की कर लेंगे, तो यहाँ पर हमें मार्किंग कर देनी है इस तरह से। तो यहाँ से हो गया 1 से B हो गया, 2 से C, 3 से D, 4 से E, 5 से F और 6 से G, ये हो गई हमारी मार्किंग। और ये जो मार्किंग है ये हमें सेंटर मानना है और ये जो है सर्कल ड्रा कर लेना है, बाकी का प्रोसीजर जो है सारा सेम है जो हमने पहले किया है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम मार्किंग करेंगे रिटर्न के लिए और इनको सेंटर मानकर सर्कल ड्रा कर लेंगे। अब इसके बॉटम से जब हम लाइन को मिलाएंगे तो ये तो बन जाएगा कैम का प्रोफाइल, और अगर हम इसके सेंटर्स को मिलाएंगे डॉटेड लाइन के साथ, अगर इसके सेंटर को मिलाते हैं इस तरह से, तो ये बन जाएगा पिच कर्व। तो ये जो है ये बन जाएगा पिच कर्व। तो इस तरह से आप कैम प्रोफाइल और पिच कर्व को बनाएंगे, पिच कर्व हो गया और ये जो है ये हो गया कैम प्रोफाइल।
तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।